गुर्दे की पथरी के बार बार होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में ऑपरेशन के बाद निकली पथरी की एनालिसिस करा ली जाए तो दवाएं और सावधानी बरतने से दोबारा पथरी होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ आगरा SA की कार्यशाला में गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन पर चर्चा की गई। गुर्दे की पथरी की बार बार होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में ऑपरेशन के बाद निकली पथरी की एनालिसिस करा ली जाए तो दवाएं और सावधानी बरतने से दोबारा पथरी होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ आगरा ASA की कार्यशाला में गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन पर चर्चा की गई। नए नए विधि और विधान जो आए हैं, जो कि गुर्दे की पथरी में हो या जो उसकी नली की पथरी में है, तरंगों द्वारा तोड़ सकते हैं, लेजर के द्वारा तोड़ सकते हैं, फिर उस पर बिल्कुल चूरा करके दूरबीन से निकाल सकते हैं। आज ये सारी चीज़ों पे बहुत गहन वार्तालाप हुआ। देखिए, मेडिकल साइंस में लगातार नई एडवांसेस हो रहे हैं और उस सबका फोकस है किस तरह इलाज को सुलभ बनाया जाए और किस प्रकार मरीज़ों के लिए तकलीफ़ कम से कम हो। आज की CME का जो टॉपिक था वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो किडनी के स्टोन्स के ऊपर था और हमारे क्षेत्र में किडनी स्टोन और पित्त की थैली के स्टोन, ये सबसे दोनों कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रोफेसर MS अग्रवाल ने बताया कि अत्याधुनिक रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी से गुर्दे से पेशाब के रास्ते के बीच में कहीं भी पथरी हो उसे निकाला जा सकता है। एक इंटरनेशनल बुक किताब है, इंटरनेशनल बुक में डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं और सर्जन SR हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और डॉक्टर अनुभव गोयल, हमने दो चैप्टर लिखे हैं और किसी इंटरनेशनल किताब में दो चैप्टर पब्लिश होना। एक नेचुरल ऑरिफिस से वो दूरबीन एंटर करती है, गुर्दे तक पहुंच सकती है, वहाँ से पथरी निकाल कर नेचुरल ऑरिफिस से बाहर आ जाती है, तो अब कोई कट और चीरे की भी जरूरत नहीं है। ये CME बहुत ही अच्छी थी, इसमें प्रोफेसर MS अग्रवाल सर ने रीनल स्टोन्स के बारे में नई नई टेक्निक्स और उसके बारे में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताया, जो कि काफ़ी अच्छा था और लोगों को काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। गुर्दे के अंदर पथरी है तो ऐसे केस में मिनी परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी की मदद ली जा सकती है। इस तरह इन दोनों तकनीक का इस्तेमाल कर गुर्दे से पेशाब के रास्ते में कोई पथरी है और उसका आकार भी कितना भी अधिक हो, उसे पेशाब के रास्ते से निकाला जा सकता है। उन्होंने यूरिनरी ट्रैक्ट के स्टोन्स के बारे में जो लेटेस्ट एडवांसेज हैं उसके बारे में बताया, सभी सर्जन्स को अवगत कराया जो नई टेक्निक है उसके बारे में, और इस बीमारी के निदान के भी नए नए तरीके आते जाते हैं। तो अब जो नई तकनीक इसके लिए इलाज के लिए आई हैं, इन पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। बिकॉज किडनी स्टोन्स में अभी इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसमें रेकरेंस भी ज़्यादा है, सो हमें कुछ ऐसे मेडिसिन चाहिए जिससे इंडियन में पर्टिकुलरली किडनी स्टोन्स का रेकरेंस के बगैर हमारे इंडियंस अच्छे से हेल्दी लाइफ लीड कर सके। ASA के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि सर्जरी के बाद निकलने वाली पथरी का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए, इससे पता चल जाता है कि पथरी कैल्शियम की तो नहीं है, पथरी किस कारण से बनी है यह पता चलने पर दवाएं और पानी का सेवन अधिक करने के साथ कुछ सावधानी बरतने से पथरी दोबारा होने का खतरा नहीं रहता। CNews के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।